तो अपने साथ हो गया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और बाई फ्लाइट जाने के बाद भाई वो कर गए अपने को बाय बाय। और बाई फ्लाइट जाने के बाद भाई वो कर गए अपने को बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे जी। और सारे अनु सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज है जी 27th of December और टाइम हो चुका है गोवा को बाय बाय करने का, जो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि गोवा को बाय बाय किया जाए। तो आज पहुंचेंगे जी अपन दूधसागर। दूधसागर में अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, मौज लेंगे, मस्ती भी करेंगे। वहां से अपने को निकल जाएंगे सीधा पुणे। तो आज का जो करीबन राउंड होने वाला है वो होने वाला है भाई लोगों करीबन 13 घंटे का और 700 किलोमीटर के राउंड। 13-14 घंटे हंस के लग जाएंगे उसमें, क्योंकि हम रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ ये सब भी करना होता है। और वैसे जो मैप जो बता रहा है वो आ रहा है उसका 13 घंटे का, तो भाई 14-15 घंटे आराम से लग सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एनीवेज भाई लोगों, इन सब ने रूम पैक कर लिया, अपने बाइक्स पे सारा कुछ लोड कर लिया, बट एक मैं ही हूँ जो मेरा सामान रह गया इधर में। अनलोडेड मेरी बाइक ही है, बाकी इन सब ने अपनी अपनी बाइक लोड कर ली है। लोग सब बाइक लोड्स हो चुकी है, मेरी ही बाइक रह गई है। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से मैं पैक कर लेता हूँ। मैक्स टू मैक्स मेरे को 5 मिनट लगने हैं इधर में, फिर उसके बाद जाएंगे अपन ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, देन उसके बाद अपन सीधा वहीं से निकल जाएंगे दूधसागर के लिए। तो चलो मैं आपको सीधा मिलता हूँ बाइक पर। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स टू दूधसागर, एंड इधर में हम 3 दिन से आ रहे थे अतुल कैफे एंड स्टोर। इधर की चाय, इधर का भाई ऑमलेट, इधर का वड़ा पाव, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। एंड सबसे बड़ी बात जो है यहाँ के ओनर का जो नेचर है ना, दैट वाज परफेक्ट। और यहाँ ये आपको बिल्कुल जस्ट कोलविया बीच के बिल्कुल बगल से ही है अतुल कैफे एंड स्टोर। तो प्लीज़ एक बार मस्ट विज़िट करना, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। नेचर पसंद आएगा, खाना पसंद आएगा, सब चीज़ पसंद आएगी। और निकलना था भाई सुबह 6 बजे और टाइम हो चुका है अभी चुके हैं, तो टू मच लेट। और निकलते हैं अभी दूधसागर के लिए। यहाँ बस एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और फिर सीधा लेट्स गो फॉर अ दूधसागर। तो भाई लोगों, इस प्यारे से गोवा को ना छोड़ने का टाइम आ चुका है। सीरियसली दिल से 1% भी मन नहीं है कि अपन इधर उसको छोड़ के जाएँ, बट यार जाना पड़ेगा। इधर में मैं दोबारा आऊँगा ये कंफर्म है, क्योंकि जगह है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी। सो आई विल कम अगेन एंड आई जस्ट रिकमेंडेड यू मस्ट विजिट। तुम लोग भी इधर में प्लीज़ एक बार आओ, बहुत अच्छी जगह है। नेचर्स काफ़ी बंदों की जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपको मोस्ट प्रोबेबली 99% इधर में ना, अब 90% इधर में आपको टूरिस्ट मिलेगा, और बाकी 10% है जो आपको लोकल मिलेगा इधर में। लोकल बहुत कम है, बट टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है इधर में। सो भाई रिकमेंडेड है ये जगह, ये पूरा गोवा आपके लिए, कि एक बार आना। मैं तो भाई दोबारा से ज़रूर आऊँगा, पक्का है ये। भाई लोगों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी भी हम इधर ही घूम रहे हैं गोवा में, तो अपने साथ हो गया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में ये हुआ भाई लोगों कि इशू ये हो गया कि अपनी HSR भाई की बाइक में हो गया ब्रेकडाउन, इंजन इशू। तो अपन ने भाई खूब कुछ ढूंढा, नहीं मिला। देन आफ्टर मैं एक RSA बुला के नियर बाय सर्विस सेंटर बाइक भिजवाया, वहाँ पता करा तो भाई उन्होंने बोला 2 महीने की वेटिंग पे ये पार्ट। तो वो पार्ट अभी मिला नहीं, स्टेशन लेके गई, स्टेशन पे जाके अपन ने उसको बाइक कोरियर भिजवा दिया दिल्ली तक। और HSR भाई जो हैं वो निकल चुके हैं बाई फ्लाइट, और बाई फ्लाइट जाने के बाद भाई वो कर गए अपने को बाय बाय। और बाइक 3-4 दिन में भाई पहुँच जाएगी अपना सीधा दिल्ली, और भाई जी हमारे पहुंच जाएंगे कल रात को, आज रात को जयपुर के लिए। मैं भी अपन तो 2-3 दिन लगेंगे, तो भाई को भेज दिया हमने, भाई सेफली घर पहुंच जाएंगे, हमें कॉल वॉल कर देंगे। बट हमारे ग्रुप में यार एक राइडर कम हो गया, कोई बात नहीं, अब जो किस्मत में लिखा है उधर ही उतना ही होना है भाई। उनकी किस्मत में इतनी राइड लिखी थी तो इतनी होगी। एनीवेज भाई लोगों, अभी 9 घंटे का रास्ता हो रहा है, अभी अपन दूधसागर का प्लान हो गया कैंसिल, और नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्टली पुणे। तो पुणे अभी है भाई 460 किलोमीटर, तो होप करता हूँ हम 10 या 11 घंटे लग जाएंगे। अभी 2 बज रहे हैं, तो मतलब रात के 12 बजे तक उधर में पहुँच जाएंगे। भाई क्या मौसम है, क्या इधर का व्यू है, मतलब अलग लेवल है यार, मतलब सब कुछ अलग है यार इधर में। मतलब क्या देख रहे हो, ग्रीनरी देख रहे हो अब इधर में, दोनों तरफ ग्रीनरी और बीच में एक पतला सा जंगल का रोड। वाह वाह वाह, मज़ा सा आ जाता है ऐसे रोडों पे आके। सीरियसली राइड करने का जो मन होता है ना, वो अलग लेवल का फील होता है। इट्स वंडरफुल, इट्स ब्यूटीफुल, एंड मतलब जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ना, वो सब इसके लिए यार। भाई लोगों, एक जादू देखना चाहोगे? चलो मैं एक तुम्हें जादू दिखाता हूँ। तो पहले मुझे लगा था ये शायद मेरी वाली बाइक कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो सबकी कर रही थी। और वो क्यों कर रही थी वो भी मैं आपको बताऊँगा। वॉबल करती है ये, देखो
भाई ये वॉबल क्यों करती है? एक्चुअली हमारा है ना पीछे में बहुत ज्यादा लोड है, आगे में इतना लोड नहीं है, तो आगे से ना हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ, तो वो ऐसे ऐसे वॉबल वॉबल करती है। तो हमें पता है हम कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं इतना हैवी वेट लगा के। सो भाई लोगों फाइनली वो जंगल वाले रूट ख़त्म करके अपन आ चुके हैं हाईवे पर। सो भाई लोगों ये है सिटी द नेम ऑफ बेलागावी, और ये आती है भाई कर्नाटका में, और सिटी ज़्यादा मुझे बड़ी लग नहीं रही, और हो भी सकती है क्योंकि अपन तो भाई देखो डायरेक्ट बाईपास टू बाईपास जा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है अंदर में क्या बड़ा है क्या छोटा है देखो, बट ठीक ठीक लग रहा है। और ये रोड है जो होने को तो बाहर से बाईपास जा रहा था, बट मैंने ये जानबूझ के अंदर वाला सिटी वाला रोड लिया है बिकॉज मुझे उन भैया से मिलना है जिनसे मैं सुबह में फर्स्ट डे वो सामान लेके गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उधर में जाऊंगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जाएंगे। भाई यहाँ पर ना अभी जस्ट मेरे एक नज़र पड़ा है, मैं स्पेशल वहाँ से वापस घूम के आया हूँ। इधर ना भाई लोगों ये मार्केट देखो कितना प्यारा बना हुआ है यार, लुक छोटी छोटी शॉप्स हैं और इतना प्यारा तरीके से बनाए हुए, मतलब अल्टीमेट। ये देखो खुद से देखो भाई लोगों, मैं इसके लिए स्पेशल यू टर्न मार के आया यार। लुक भाई कितना प्यारा बनाया हुआ है यार, मतलब मेरे को अच्छा लगा तो मैंने स्पेशल यू टर्न लिया, मुझे लगा कि यार ये बताना चाहिए अपनी पब्लिक को। यार भाई लोगों जिस भाई से मिलना था ना लिटरली मैं अंदर सिटी में होने के वापस से आया, घूमना भी था तो घूम भी लिया, बट यार वो मेरे को वो सर्किल दिखा ही नहीं जहाँ से मैं क्रॉस हुआ था, और ना मुझे वो भैया मिल पाए। पुणे टू हैदराबाद हाईवे, तो अभी अपन इस पे आ चुके हैं, ये है नेशनल हाईवे 48, 380 किलोमीटर भाई अभी भी है। भाई यार इधर में ना बहुत साफ सफाई है, सीरियसली इतनी साफ सफाई हमारे उस साइड नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ बहुत ज़्यादा साफ सफाई है नो डाउट, बहुत अच्छे से रखा हुआ है बनाया हुआ है, अपने केरल को अपने पुणे को अपने सब जगह इधर इस साइड है ना साउथ साइड बहुत ज़्यादा साफ सफाई है भाई। सो प्लीज़ भाई लोगों वहाँ का भी थोड़ा ध्यान रखो, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं जो भी है, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, सिर्फ यार कचरा वगैरह नहीं करना चाहिए, इवन गोवा में तो यार चालान भी है। सो भाई इधर में कुछ अपने को मराठी भाई मिले, सब्सक्राइबर बोलते पर भाई बोलते पहले, ये साहिल भाई, उत्तम भाई, अरबाज भाई। भाई इधर में हूँ ना आप, ये तालवांडी जगह है, तालवांडी में कभी भी कोई सुपर बाइक या नॉर्मल बाइक या स्पोर्ट्स बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनको याद करना, इनका मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मोहसिन भाई, आलम भाई, तो नाइस टू मीट यू ब्रदर, बहुत मजा आया आपके साथ। तो अपन भाई इधर में रुके थे चाय वाय पीने के लिए होटल गोवा वेस्ट फैमिली रेस्टोरेंट, और भाई इनके साथ थोड़ा एंजॉयमेंट करा, साथ में चाय वाय पी, अभी भाइयों के साथ एक फोटो वोटो कराते हैं, अपन भी अपलोड करेंगे स्टोरी पे। भाई ये जो भाई लोग मिले थे ये काफ़ी दिल से अच्छे थे सीरियसली, और इससे पहले मुझे एक फैमिली मिली थी एंड देवर फ्रॉम मुंबई, उनका भी भाई एक नंबर नेचर था, एक नंबर, मतलब उनको उनसे तो मेरा नंबर भी एक्सचेंज हो गया। दीदी मेरे को बोली यार कि कभी भी आओ तो प्लीज़ थाने आना, थाने मुंबई में एक जगह है थाने, उनका बेटा था अनिकेत राठौड़ करके, आगे बड़े होकर राइड वाइड करने का सीन है, करने का तो भैया है बट पढ़ना है जॉब करनी है, मतलब उस बंदे के अंदर है कितनी डेडिकेशन है पढ़ाई और उसको लेके जॉब वगैरह को लेके। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने देख भाई ये ज़िंदगी भर का काम है पैसा कमाना, ये सारा ज़िंदगी भर का है कि जॉब करनी है बिजनेस करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू करो, बट कुछ है ना कुछ पल कुछ मोमेंट्स अपनी लाइफ के लिए भी दो यार, जिस चीज़ के लिए आप पैशन रखते हो ना तो उस चीज़ को करो, कैसे भी करो करो, जब आपके हाथ में आपका पैशन होगा ना आप उस चीज़ के लिए भी कमाओगे। ये चीज़ मैंने खुद से सीखी है, खुद से फॉलो किया है इस रूल को, खुद भी किया, मतलब खुद से फील हुआ मुझे एक टाइम पे आने के बाद कि हाँ जब आप पैशन को फॉलो कर रहे हो उसके बाद में अगर आप कुछ करने का हिम्मत है ना तो खुद उसी आप उसके लिए कमाओगे पैसा, वो मैं डैम श्योर हूँ कि आप उस चीज़ के लिए पैसा कमाओगे अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो। तो प्लीज़ अपने पैशन को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि लाइफ का देखो भाई लोगों कुछ नहीं पता, आज है अभी है कब नहीं है, सो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग से उतार के जो करना है वो करो, पैसा ज़िंदगी भर कमाना है, बिजनेस ज़िंदगी भर करना है और जॉब ज़िंदगी भर करनी है, जो भी आप काम करते हो तो वो करना ही पड़ेगा, देखो पैसा कमाने के लिए करना पड़ता है बट प्लीज़ अपना पैशन मत मारो। सो भाई लोगों पुणे ज़्यादा दूर नहीं, बस पुणे रह गया यार 108 किलोमीटर के आसपास, और होप कि मैं एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाऊंगा उधर, डेढ़ घंटे तो लगेंगे लगेंगे 100 किलोमीटर में यार, और ट्रैफिक का कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। एनीवेज भाई लोगों आज ना मैं अपने जिगरी से मिलने वाला हूँ,
मेरा बचपन का चड्डी बड्डी वाला यार, मतलब बचपन का क्या, एक्चुअली मैंने यार हॉस्टलिंग हॉस्टलिंग की हुई है जयपुर से, तो वो मेरा जो है वो भाई मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, मतलब जान है वो मेरी, इतना बता दूं आपको। तो उसका और मेरा बॉन्ड बहुत टाइम से है, इवन टच वुड मेरा ऐसे ही बना रहे उससे, कभी मेरी उससे बिगड़ी नहीं कभी, और भगवान से यही दुआ है कि कभी बिगड़े भी ना। एंड ही इज़ अ वन कि वो मतलब मेरे स्कूल का और अब तक का वही कॉन्टेक्ट में है, मतलब अच्छे से जो मेरा दोस्त है और वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड, और वो तो एक वही है जो मेरे अभी तक कॉन्टेक्ट में अच्छे से। तो वो पुणे शिफ्ट हो गया है, तो आज उसका भाई एक ही मेरे पास विश है कि मैं उसके पास रुकूं। तो धर्मेंद्र भैया और युधिष्ठर भैया होटल में रुकेंगे, मैं जितना अपने भाई के पास रुकूंगा आज। सो अभी चलते हैं सीधा अपने भाई के पास और वहीं मिलवाएंगे आपको डायरेक्टली उससे। एंड अभी मेरे को मैक्स टू मैक्स 1.5-1.5 घंटा लगेगा अभी मेरे को, क्योंकि इसमें 2 घंटे शो कर रहा है बट मैं नॉन स्टॉप जा रहा हूँ, तो 1.5 घंटा लग सकता है, नहीं 2 घंटे लगेगा भाई, क्योंकि पेट्रोल भी डलवाने का है अभी। एनीवेज भाई लोगों, राइड पे बहुत मज़ा आ रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं अपने भाई से मिल रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उससे पता नहीं मैं कितने टाइम बाद, अभी होने को तो अभी मिला था थोड़े टाइम पहले, बट अच्छे से बैठ नहीं पाए क्योंकि उसकी सिस्टर की शादी थी। बस मैं वहाँ गया और शादी अटेंड करके वापस आ गया बिकॉज वो भी बिजी था। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कल रात को भाई मैं 12:30 के आसपास पहुँच गया था, और बॉडी भाई इतनी लेवल पर थक चुकी थी कि बस थोड़ी बहुत उससे बात बात करी, डिनर वगैरह साथ में किया और फिर मैं सो गया। एनीवेज भाई लोगों, जिसके बारे में मैं पूरे रास्ते पर बात करता हुआ आया था वो ये है मेरी जान जितेश, ये मेरा प्यारा सा मेरा सिंधी माणू, और भाई बहुत परमाणु बम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बंदे ने ना भाई, मैं कहता हूँ मैं जब हॉस्टल में था तो शायद इसके बराबर मेरी किसी ने नहीं करी भाई, मज़े भी यही लेता था और साथ निभाने वाला भी यही था। सबसे ज़्यादा मैंने इसके टिफ़िन खाली करे, और ये बेचारा हॉस्टल के पराठे खाता था, 2 पैसे के पराठे अचार के साथ लिपड़े हुए। और मैं भाई इसके हाथ की, इसकी मम्मी के हाथ के पोहे वगैरह मेरे को बहुत पसंद है, इसकी मम्मी के हाथ के पोहे वगैरह, तो मैं इसकी मम्मी के हाथ का खाना वाना खाता था और ये बेचारा मेरे टिफ़िन खा लेता था, मुझे शांति से खुद ही आ जाता था मेरे पास ले ले यार, क्योंकि इसको लगता था हॉस्टल में खाना सही नहीं मिलता, ये तो लंच जाके कर लेगा, बट मेरा नहीं था। सो एनीवेज भाई लोगों, अभी अपन है पुणे में और निकलने वाले हैं सिलवासा के लिए, और धर्मेंद्र भी युधिष्ठिर भी ऑलरेडी निकल चुके हैं, उनको हो चुका है 1.5 घंटा निकले हुए, और मैं भाई अभी उठ के आया हूँ, बस नहा धो के रेडी हुआ हूँ। सो अपन भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि अभी इसके साथ ब्रेकफास्ट भी करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके और जल्दी से निकलेंगे अपन लोनावला के लिए, क्योंकि यहाँ से लोनावला का टाइम लगने वाला है अपने को 1.5 घंटे का, मतलब 1.5 आवर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइमली निकलते हैं। पछानी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप, और फिर मिलते हैं वापस फेब में। थैंक यू मेरी जान, बहन की शादी में। चलो डन डन, आपको लेके चलेंगे भाई फेब की बहन की शादी में, डन। चलो जी, तब तक के लिए जाता हूँ आपसे, इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।